आप देख रहे हैं RTI न्यूज 24, सच बोल क्लब आजाद है तेरे। उन्नाव गंगा घाट कोतवाली अंतर्गत जाजमऊ चौकी इलाके में पुलिस के आशीर्वाद से चल रहा है खुलेआम जुआ और गांजा बेचने का काला कारोबार। चौकी से चंद कदम दूर टीम के नीचे खुलेआम बिकता है गांजा। गांजे माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगाकर उनको मारना पीटना और चौकी में बंद कराने का हो रहा है खेल। आपको बता दें, कई सालों से जफर सुपारी नाम के गांजा चरस तस्कर व साथी गूंगा खुलेआम महिलाओं से बिकवाता है गांजा और चरस। जफर सुपारी को कोतवाली गंगा घाट अंतर्गत जाजमऊ चौकी की पुलिस का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता का कहना है कि कुछ ही दूरी पर बबलू नाम के बुकर को भी पुलिस का संरक्षण प्राप्त होने से खुलेआम जुआ भी होता है, जिससे क्षेत्र में चोरियां और लूट की वारदात बढ़ रही है। क्षेत्रीय महिलाओं का घरों से निकलना दूभर है। सूत्रों की माने तो यदि कोई इनका विरोध करता है तो माफियाओं द्वारा उनको मारा पीटा जाता है और उनका मोबाइल पैसा भी छीन लिया जाता है। उनके अपराध में शामिल महिलाओं से झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी भी दी जाती है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है सारी वारदात चौकी से चंद कदम की दूरी पर अंजाम दी जाती है और पुलिस खामोशी से अपनी कमाई करती नजर आती है। RTI न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट, उन्नाव।